पाली सीखो 4.5 व्याकरण क्या होती है। पाली एक नेचुरल भाषा है, पक्ति भाषा है, या संस्कृत भाषा में कहें तो प्राकृतिक भाषा है। पक्ति बोलते हैं पाली भाषा के अंदर, प्राकृतिक बोलते हैं संस्कृत भाषा में। इसमें इसका कोई नाम नहीं पड़ा, क्योंकि प्राकृतिक भाषाओं के नाम समय के हिसाब से, जगह के हिसाब से, और जो उस समय शासक होते हैं उनके नाम पे पढ़ते जाते हैं, उनकी पहचान बनती जाती है। इसलिए कोई फिक्स नाम इनको नहीं दिया जाता। ये चारों तरफ जैसे बारिश होती है और अलग अलग धाराएं निकलती है, उन सभी धाराओं को गंगा बोलते हैं, वैसे ही इन सबको प्राकृतिक भाषाओं के नाम से अलग अलग बनाया जाता है। कौशल प्रदेश हुआ, कौशल प्रदेश हुआ तो कौशली हो गई, मगध हुआ तो मगधी हो गई, अगर अशोक ने इसको लिखवाया तो अशोकी हो गई, धम्म को इसने अपने अंदर समेटा तो धम्मिक हो गई, ये बहुत सारे हैं। इसको बुद्ध वचन भी बोलते हैं, बुद्ध के नाम से भी हो गई, और जिसने इसको खोजा उसका नाम इसने पाली दिया, पाली मतलब पालने वाली वचनों को, तो ये पाली हो गई। और आज के समय में इसको हिंदी के नाम से जाना जाता है, क्योंकि ये चारों तरफ भारत में बिखरी हुई है, इसलिए इसको हिंदी के नाम से बोला जाता है। और जो संस्कृत किया गया उसको हम संस्कृत भाषा के नाम से जानते हैं। अब संस्कृत क्या होती है, प्राकृतिक क्या होती है, ये बहुत सिंपल सा छोटा सा है। प्राकृतिक भाषा जितनी भी होती हैं उनमें दो तरह के शब्द होते हैं। एक होते हैं जो बदलते रहते हैं, जिनको विभक्ति बोलते हैं, बदलते जाते हैं, जैसे बुद्ध है, बुद्धो यानी बुद्ध के लिए, बुद्ध पर, बुद्ध में, बुद्ध के साथ, इनको अलग अलग नाम से बोला जाता है, बुद्धेन, बुद्धस्य, बुद्धानं, बुद्धं, बुद्धे ही या बुद्धे ही, बुद्धस्मिन, तो ये सारे सारे जो नाम हैं उनके साथ चलते हैं। और कुछ फिक्स शब्द होते हैं, जैसे कदापि है, पी है, यदि है, चय है, ये सारे शब्द हैं, जिसमें मैं और भी पर, ये सब फिक्स शब्द आते हैं। तो एक फिक्स शब्द हो गए जिनको अव्यय बोलते हैं, और एक शब्द वो हो गए जो वह होते रहते हैं, बदलते रहते हैं, खर्च होते रहते हैं, उनको वह शब्द बोलते हैं या व्याकरण बोलते हैं, यानी कि उनके कारक हैं जो उनको व्यय करते रहते हैं, बदलते रहते हैं, उसको व्याकरण बोलते हैं। तो कोई भी भाषा अपने अंदर शुरू में व्याकरण स्पेशल नहीं बनाती, वो बनती जाती है, यानी व्याकरण भी प्राकृतिक रूप से सारी भाषा के साथ में ऑटोमेटिक अपने आप स्वयं चलती है, इसे कोई बनाता नहीं है। प्राकृतिक भाषा के अंदर जो फिक्स शब्द हैं, जो अवयव हैं, वो भी अपने आप बनते हैं, और जो चलन वाले, चलने वाले, बदलने वाले शब्द हैं वो भी अपने आप बनते हैं दुनिया की सारी भाषाओं में। तो पाली के साथ भी ऐसा ही हुआ। जो लोग ना इसको भाषा को, पाली को फिक्स किया मैथमेटिक्स तरह, बिल्कुल इसमें जोड़ तोड़ करके, प्लस माइनस करके एक मैथमेटिक्स के रूप में बनाया, उसको संस्कारित बोलते हैं, यानी उसके नियम बना दिए, वो मनुष्य ने बनाए हैं। मनुष्य जब भाषा को मॉडिफाइड करता है, संस्कारित करता है, तो फिर भाषा नेचुरल नहीं रह पाती, प्राकृतिक नहीं रह पाती, वो बदलेगी नहीं, वो एक मैथमेटिक्स के सांचे में ढल गई और वो फिक्स हो गई पूरी भाषा, उसमें अव्यय भी और जो व्याकरण है वो भी फिक्स हो गई। इसलिए जो बुद्ध वचन है या पाली भाषा है या जो कौशली है, मगधी है, या जो हिंदी भाषा है, ये फिक्स भाषा नहीं है, ये प्राकृतिक भाषा है, और ये बुद्ध से पहले के समय से और बुद्ध के बाद के समय से और आज तक भी लगातार बदलती आ रही है, बदलती रहती है। ठीक ऐसे जैसे जो हिमालय के ऊपर पानी बरसता है या बर्फ बरसती है और उससे जो नदियां निकलती हैं, वो सारी सारी अपना रास्ता, अपनी स्थिति, समय और वस्तु के हिसाब से बदलती रहती हैं। इसलिए भाषा भी बदलती रहती है, जहां जाती है उनमें कुछ ना कुछ जुड़ जाता है, कुछ ना कुछ उसमें घट जाता है। तो व्याकरण जो होता है वो बताता है कि इसमें क्या व्यय हुआ, क्या चेंज हुआ, क्या इसमें अब जोड़ा और घटाया गया। हिंदी का व्याकरण जो आज की डेट में है वो दरअसल पाली का ही व्याकरण है, थोड़ा सरल हो गया है। पाली का व्याकरण, चूंकि जिन्होंने पाली का अध्ययन किया उन्होंने देखा कि इसमें कैसे कैसे क्या शब्द बदलते हैं, उसको व्याकरण बोलते हैं। यानी व्याकरण पहले से भाषा के अंदर ऑटोमेटिक अपने आप बनी हुई है, सिर्फ मनुष्य ने उसको अध्ययन करके अलग किया हुआ है और अव्यय भी अध्ययन करके अलग किए हुए, ताकि भाषा को समझाने में आसानी रहे। क्योंकि यहां हम अब पाली को थोड़ा सा आगे बताएंगे, बहुत सरल है क्योंकि हिंदी आप जानते हैं, इसलिए कोई दिक्कत नहीं आई आपको। तो यहां आपने देखा होगा कि पाली के अंदर जो खास बात है वो ये है कि हर शब्द का जो अंत है उसको
कारक अंत बोलते हैं। कारक अंत का मतलब है कि इसका जो लास्ट शब्द है, आखिरी शब्द है, वो कहां जाकर रुकता है, ये पाली के अंदर खास बात देखी गई। जैसे जो अधिकतर नाम है जिनको मेल बोला जाता है या पुरुष लिंग या पुल्लिंग बोला जाता है या मस्कुलर बोला जाता है, उनमें ये देखा गया कि ये ऐसे खत्म होते हैं और इनकी जो प्रकृति है वो ए पे खत्म होती है, यानी कि ए कार अंत है। तो ये सारे जो पुल्लिंग वाले शब्द हैं वो ए या ई, यानी कि बड़ी वाली ई या उ, यानी कि ये जो शब्द है ये ए ई उ पे जाके खत्म होते हैं अधिकतर शब्द। ये पुल्लिंग शब्द हैं, कोई और शब्द भी हो सकता है, वो बहुत लेस है बाद में, ए ई और ये ऊपर खत्म होते हैं। उ भी इसमें छोटा है और ई भी इसमें बड़ी है। आप अगर देखेंगे ध्यान से तो जितने भी पुरुषों को, यानी जो मेल है मस्कुलर है, उनको संबोधित करने वाले जितने भी शब्द हैं, उनके आखिरी शब्द में जो आवाज आती है वो आती है ए या छोटी ई या छोटा उ। ये शब्द आखिर में मिलेंगे, जैसे मेरा नाम सुधीर है या बुद्ध है या संघ है, इसमें बाद में ए आता है। जो छोटी ई है जैसे मुनि हो गया, ये छोटी शब्द में ई में आते हैं। जैसे उ हो गया तो बाद में उ से आते हैं, जैसे करु हो गया, ये शब्द आते हैं। और अगर आप फीमेल के शब्द देखेंगे तो वो आ करांत पे आते हैं, यानी उनमें लास्ट में आ का अक्षर आता है, जैसे विमला, कमला, सीता, मीता, गीता, ये जनता, ये जितने शब्द हैं जिनमें बाद में आ आता है वो फीमेल के लिए आता है, वो स्त्री के लिए आता है, महिला के लिए आता है, वो फेमिनाइन जेंडर है, यानी कि जो संबोधन आता है वो फीमेल के लिए आता है। तो स्त्री लिंग के जो शब्द है वो ज्यादा है, आ, छोटी ई, बड़ी ई, छोटा ऊ और ऊ। जो ऊ से जो बने शब्द हैं आखिर में वो बहुत कम आते हैं, बहुत छोटे शब्द है, बहुत कम शब्द हैं। जो आ, ई और बड़ी ई से शब्द आते हैं वो ज्यादा है महिलाओं के लिए। जैसे आप देखेंगे मालती है, कांति है, या क्या बोलते हैं अनीता है, ये सारे शब्द जितने भी हैं इसमें आ आएगा या ई आएगा बड़ा, और छोटी ई भी आता है, मगर उ छोटा और बड़ा बहुत कम आता है। एक आता है कॉमन जेंडर। कॉमन जेंडर का मतलब है नपुंसक लिंग हो गया, यानी कि जिसका कोई ना फीमेल है ना मेल है, जो बीच का जेंडर है उसको नपुंसक लिंग यहां बोला गया है। नपुंसक लिंग के शब्द बहुत कम हैं, ए, ई और उ, यानी ए छोटी ई और छोटा उ से वो शब्द खत्म होते हैं लास्ट में जो नपुंसक लिंग में आते हैं। अब बेसिकली लिंग क्या होता है, लिंग को बाद में आज के समय में पुरुष के जननांग और स्त्री के जननांग, जो जनन करने वाले, प्रजनन करने वाले, जो उत्पत्ति करने वाले अंग हैं, उनसे देखा जाता है। बेसिकली पाली के अंदर लिंग का मतलब है चिन्ह, यानी कि जो चिन्ह है, जो साइन है, जो मार्क है, जो निशान है, उसको बोला जाता है लिंग। यहां निशान को लिंग बोला गया है। तो लिंग देखा जाता है, जैसे बाद में ये प्रचलित होने लगा कि पुरुष के लिंग अलग तरह के होते हैं, पहचान के चिन्ह अलग तरह के होते हैं, महिला के अलग तरह के पहचान के लिंग होते हैं, तो उन जो खास जो चिन्ह थे, निशान थे, उन्हीं को फिर लिंग करके बोला जाने लगा। तो पुरुष जो आता है वो पाली का शब्द नहीं है, पाली का शब्द है पुल्लिंग, पुल्लिंग शब्द है पाली का, या इथी लिंग है। पुरुष दोनों में इस्तेमाल होता है। बेसिकली पुरुषार्थ जो होता है, जो मेहनत करता है, उसको पुरुषार्थ बोलते हैं। पुल्लिंग उसी को बोलते हैं जो मेल होगा, और इथी लिंग उसी को बोलेंगे जो फीमेल होगी। पाली के अंदर एक वचन और दो वचन भी चलते हैं, यानी जैसे बुद्धो कहेंगे तो एक बुद्ध हो गए, और बुद्धा कहेंगे तो बहुत सारे बुद्ध हो गए। सुधीरो कहेंगे तो एक सुधीर, और सुधीरा कहेंगे तो बहुत सारे सुधीर। अगर हम कहेंगे मोबाइलो तो एक मोबाइल हो गया, और मोबाइला हो गया तो बहुत सारे मोबाइल हो गए। हम ये कहेंगे, अगर आज के समय में हम ये कहें कि स्कूटरो तो एक स्कूटर हो गया, और स्कूटरात का मतलब है बहुत सारे स्कूटर हो गए। ये पाली में एक वचन और बहुवचन का तरीका रहा है। समय के साथ अगर आप देखेंगे तो पाली भाषा बदलते बदलते हिंदी हो गई, क्योंकि जो प्राकृतिक भाषा है वो हर दिन हर घंटे बदलती रहती है,
हर जगह बदलती रहती हैं, ठीक ऐसे जैसे हिमालय से निकली हुई जितनी भी नदियां हैं उन सबको पाली भाषा में गंगा बोलते हैं, यानी जहां पानी बह रहा है लगातार वो गंगा होती है। ऐसी जितनी गंगाएं हैं वो सब अपने अपने स्थान पर लगातार बदलती रहती हैं, बढ़ती रहती हैं, आगे चलती रहती हैं, रुकती नहीं है। भाषा भी जो प्राकृतिक है वो ना वो रुकेगी ना वो कभी ठहरेगी। वो झरने की तरह नहीं होती है, झील की तरह नहीं होती है, क्योंकि झील का पानी ठहरा हुआ होता है। झील जितनी भी है, वो तालाब जितने भी हैं, वो संस्कारित भाषा के होते हैं जिनमें पानी रुका हुआ होता है, उनमें कोई स्कोप नहीं होता आगे बढ़ने का। जो भाषा वैज्ञानिक होते हैं वो किसी भी भाषा के रहस्य से उस पूरे इतिहास को बता सकते हैं, जो पूरा इतिहास भाषा अपने अंदर बदलाव के साथ समेटी होती है। जब हिमालय से चलती है गंगा तो कैसी होती है, और जब वो सागर में गिरती है तो कैसी होती है, इस पूरे बदलाव को भाषा वैज्ञानिक अच्छी तरह से जगह के हिसाब से बता सकते हैं कि कौन से शब्द इसमें जुड़े, कौन से शब्द इसमें घटे। अगर आप पाली पढ़ेंगे और पाली का इतिहास जानेंगे, पाली के अगर साहित्य को खंगालेंगे तो आप देखेंगे कि उसमें आपको बहुत सारे शब्द नहीं मिलते। उसमें कोई हिंदू सिख जैन मुसलमान या कोई पारसी या कोई बौद्ध या ऐसा कोई शब्द नहीं मिलेगा आपको। आप उसमें देखेंगे कि उसके अंदर ना प्लास्टिक है, ना उसके अंदर कोई कंप्यूटर है, ना मोबाइल है, ना कैमरा है, ना उसके अंदर कोई ऐसा जो आज के समय में प्रेस चलता है ऐसा है, ना उसके अंदर कोई ऐसे वर्णन है जो आज के कॉलेज और आज के जो जितने भी सिस्टम डेवलप किए हुए हैं मॉडर्न सिस्टम जिनको बोलते हैं वो है, क्योंकि भाषा पुरानी है तो उसी समय का उसमें व्याख्यान होगा। पूरी पाली भाषा के अंदर जो उदाहरण दिए गए हैं वो प्रकृति के हैं, जानवरों के हैं, पानी बहते हुए के हैं, जमीन के हैं, आकाश के हैं और मनुष्य के व्यवहार के हैं, सारे के सारे वो हैं। उसमें आधुनिक चीजें एक नहीं है, क्योंकि इतिहास बताता है कि जब वो चीजें वहां है ही नहीं तो वो उसमें साहित्य में आएंगी भी नहीं। अगर किसी साहित्य में कोई चीज आती है और उस काल में नहीं है तो वो साहित्य झूठा घोषित हो जाता है। जैसे हम ये कहें कि आज से 5000 साल पहले लोहे का एक बहुत बड़ा धनुष था, या लोहे का एक बहुत बड़ा तीर था, या लोहे का एक बहुत बड़ा त्रिशूल था, तो लोहा तो 5000 साल पहले था ही नहीं, 4000 साल पहले था ही नहीं, 3000 साल पहले था ही नहीं। जब लोहा था ही नहीं तो लोहे का औजार कहां से आया, लोहे का वर्णन कहां से आया। अगर कोई ये कहे कि उस समय जातियां थी और इस जाति ने उस जाति को ऐसा कहा, तो ऐसा कोई वर्णन पाली में मिलता नहीं, क्योंकि जातियां बहुत बाद में जाके डेवलप हुई हैं, बहुत बाद में जाके विकसित हुई हैं। वहां सिर्फ वन का जिक्र मिलता है। वन भी वो है जो दो तरह के हैं, एक समण है और एक वमण है। वमण जो बाहर से आए हुए लोग हैं और समण जो भारत के यहाँ के लोग हैं। वर्ण का मतलब कलर होता है, एक अवर्ण है और एक वर्ण है, यानी एक सफेद रंग के लोग हैं जो बाहर से आए अवर्ण, और एक सवर्ण है जो सवर्ण यानी जिनमें रंग था वो यहाँ के लोग हो गए जब बाहर के आए। कोई अगर ये कहे कि पाली साहित्य के अंदर कोई मंदिर का, कोई मस्जिद का, कोई गिरजाघर का, कोई गुरुद्वारे का, कोई बौद्ध विहार का कोई ऐसा जिक्र मिलता है, तो ऐसा जिक्र भी नहीं है। बुद्ध के बाद में जितने भी आराम बने, आराम का मतलब होता है वाटिका, जहां वो बौद्ध भिक्षु आराम करते थे, जैसे संघाराम, जैसे बुद्धाराम, जैसे जैतवनाराम, ये आराम का मतलब है। आज के समय इनको बिहार बोलते हैं, उस समय बिहार शब्द नहीं था, विहार करना का मतलब था रहना होता था, तो उस समय ये शब्द नहीं है पूरे पाली में, तो इसका मतलब उस समय ये बिल्डिंग है या ये इस तरह की समुदाय नहीं हुआ करते थे। उस समय कोई भी चीज ऐसी नहीं हुआ करती थी जो आज की समय दिखाई देती है। जो लोगों के नाम है वो नाम भी एकल नाम होते थे, सिंगल होते थे, जमीन के हिसाब से, समय के हिसाब से, पेड़ पौधों के हिसाब से या व्यवहार के हिसाब से वो नाम हुआ करते थे। नाम के पीछे जाति लगाने का वहां कहीं भी कोई जिक्र या कोई सिंगल नाम भी ऐसा पूरे साहित्य में नहीं मिलता, जैसे आज के समय में हर व्यक्ति के पीछे उसकी जात का या उसके समुदाय का नाम लगा होता है। ये प्रथा लगभग 60-70 साल पहले तक भी नहीं थी। अगर आप तीसरी पीढ़ी का नाम उठा के देखेंगे तो तीसरी पीढ़ी के नाम भी सिंपल और सादा होते थे, उनमें कहीं जात का जिक्र नहीं होता था। ये लगभग 60-70 साल से लोगों ने अपनी जातिगत पहचान के नाम पीछे लगाए हैं। लोग लगभग 60-70 साल से बहुत ज्यादा जातिवादी हो गए हैं। अब जात कहने को लोग कहते हैं जात खत्म करो, मगर हर व्यक्ति अपनी जात को पीछे लेके चलता है अपने नाम के साथ और इस पर गर्व भी महसूस करता है। तो पाली अगर आप पढ़ेंगे, पाली अगर जानेंगे तो आपको पता चलेगा कि जातीय सिस्टम कब आरंभ हुआ, वर्ण कैसे बने, क्या व्यापार उस समय होता था, लोग उस समय कैसे थे, कितने उस समय मजहब या धर्म थे या बाद में कब डेवलप हुए, क्या उस समय थी, कैसे पंथ बने, लोगों का व्यवहार कैसा था, कितने समुदाय थे, किस तरह का व्यवहार था। इसलिए पाली को पढ़ते रहिए, पाली का अध्ययन करते रहिए। ये प्राकृतिक पक्ति भाषा है, नेचुरल भाषा है, ये आपको नेचुरल रूप से सारी जानकारी देती है। धन्यवाद। टीम 22 पर सभी वीडियो बुक
कॉपीराइट फ्री है। आप अपने पोर्टल पर, अपने यूट्यूब पर, अपने फेसबुक पर या किसी भी जो भी ऐप है उस पर आप यहां से डाउनलोड कर टीम 22 से या फेसबुक से या मेरे पेज से कहीं से भी कोई भी वीडियो ले सकते हैं, उसको डाउनलोड कर सकते हैं, उसमें अपने नाम का कुछ भी ऐड कर सकते हैं या अपनी कमेंट्री कर सकते हैं, उस वीडियो का कोई भी पार्ट आप ले सकते हैं, उसका प्रिंट मटेरियल भी बना सकते हैं, उसको किसी भी भाषा में आप बदल सकते हैं, उसका ऑडियो चेंज कर सकते हैं, उसका वीडियो ले सकते हैं। आप जैसे भी चाहें टीम 22 की किसी भी वीडियो का या सारी वीडियो का इस्तेमाल कर सकते हैं। ये हमेशा कॉपीराइट फ्री थी और हमेशा कॉपीराइट फ्री रहेंगी। हमारा सिर्फ इतना काम होता है कि महापुरुषों की जो बातें हैं उन बातों को हम सरल भाषा में, आम भाषा में आप तक पहुंचा देते हैं। अब आगे आपका काम है कि आप अपनी भाषा में बदल के या ऐसा का ऐसा शेयर करके या इसको आगे भेजकर या इसका लिंक भेजकर या इसमें से कोई भाषा बदलकर या इसको प्रिंट कर या इसको लोड कर या डाउनलोड कर या इसको टीवी में बच्चों को दिखाकर या किसी को गिफ्ट कर जैसे भी चाहे वैसे इसको आगे पहुंचाएं। धम्म की सेवा सबसे बड़ी सेवा है, क्योंकि धम्म दान, धम्म को देना, सभी देने में यानी जितना भी हम किसी को देते हैं, दान देते हैं, उनमें सबसे बड़ा माना जाता है। अगर आपको लगता है किसी वीडियो में कोई परेशानी है तो आप हमें लिख के भेज दीजिए, हम दूसरा वीडियो बनाकर आपको भेज देंगे। आप धम्म की सेवा में सहायक बने, धम्म आपको खूब लाभ लाभ देगा, धम्म आपको लाभ देगा, आप धम्म को लाभ देंगे, ये दोनों इंटरचेंज है, यही धम्म की प्राकृतिक नियम है। धन्यवाद। Thank you.